गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का ये दिन है हमारा अमृतसर में डे टू, और अमृतसर आके लस्सी नहीं पी तो फिर क्या फ़ायदा अमृतसर आने का। तो यहाँ मिलती है दो टाइप की लस्सी, एक नॉर्मल पंजाबी लस्सी और एक मिलती है पेड़ी वाली लस्सी, जो इस तरह से प्रिपेयर की जाती है। पेड़े वाली लस्सी होती है बहुत हेवी और फिलिंग, लेकिन हमने ली थी पंजाबी लस्सी क्योंकि हमें इसके साथ ये रबड़ी भी ट्राई करनी थी। ये लस्सी की शॉप यहाँ अमृतसर में काफ़ी पुरानी है, इसका नाम है ज्ञान दी लस्सी, और यहाँ हमेशा दूध इस तरह से बॉईल करता रहता है और उसका दही जमता रहता है। ये लस्सी मस्ट ट्राई करिएगा अगर आप यहाँ गए हैं। लस्सी पी के पेट में जगह तो नहीं थी, बट टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग पहुँच गए लंच करने के लिए भवानी दा ढाबा में, जो कि पूरा फुल था। बैठने के लिए बिल्कुल कहीं जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हमें एक चेयर मिली। यहाँ हमने ऑर्डर किया चूर चूर नान एंड ऑथेंटिक पंजाबी स्टफ कुलचा, जो कि इन्होंने छोलों के साथ सर्व किया था। टेस्ट सो था, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था, जैसी हम एक्सपेक्टेशन अमृतसर से करते हैं कि हाँ वहाँ का फूड और वहाँ के स्पेशली कुलचे बहुत ही फेमस होते हैं, वो टेस्ट हमें यहाँ पर नहीं मिला। ये ढाबा पार्टीशन म्यूजियम का जो मेन चौराहा है जस्ट उसके सामने था। आप लोग ये रंग पंजाबी ट्राई कर सकते हैं, फार्मर रेस्टोरेंट है, आई होप यहाँ टेस्ट ज़्यादा अच्छा डिलीवर करेंगे। पेट पूजा के बाद हम निकल गए कुछ शॉपिंग के लिए। अमृतसर की जूतियाँ और फुलकारी चुन्नी तो पूरे वर्ल्ड फेमस हैं। ये शॉप गोल्डन टेम्पल जाते समय फर्स्ट जूतियों की शॉप पड़ती है। प्राइस मुझे यहाँ थोड़े रीजनेबल लगे, फिक्स प्राइस थे 150-200 से स्टार्ट होकर यहाँ 2000 तक की जूतियाँ थी। ये थी हैंडवर्क की जूतियाँ जिसमें मोतियों का काम था, ये फैब्रिक की जूतियाँ थी हील वाली। अभी दिखा रहे हैं अंकल, फाइनली ध्रुवी ने भी अपने लिए जूती सेलेक्ट करी जो उन्होंने उसके साइज के अकॉर्डिंग फिट करी, और फिर हम यहाँ से कुछ शॉपिंग करके निकल गए। जूतियों के बाद हम आ गए फुलकारी चुन्नी की शॉपिंग के लिए, जिसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 200-300 से लेके थाउजेंड्स में आती हैं। ये कुछ स्काफ मिल रहे थे यहाँ 35-35 के, 200 की इस तरह की फुलकारी चुन्नी मिलती है। हैंडवर्क वाली आपको थोड़ी कॉस्टली मिलेगी। ये कुछ कॉटन के पटियाला सूट थे हैंडवर्क वाले, जो जिनकी प्राइस रेंज स्टार्ट थी 500 से 650 ऐसी रेंज में थे। ये कॉटन की चुनियाँ थी जो 150 से स्टार्टेड थी। उसके अलावा अंदर आपको पटियाला सूट मिल जाएंगे 750 से, ये जो सामने हैं ये सब 750 वाले सूट हैं। ये सूट जो भैया ने दिखाया था ये भी 750 का था, इसमें बहुत सारे कलर और वैरायटी अवेलेबल हैं उनके पास। ये था कराची वर्क का सूट, ये 1250 का था, जिसमें आपको सलवार और चुन्नी और कुर्ता मिल जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे सूट और फैब्रिक के कलेक्शन थे यहाँ पे, और चुन्नियों के तो क्या ही कहने, पूरी शॉप ऐसे रंगीली हो रखी थी। इसके अलावा आपको इस मार्केट में ये पंजाबी कड़े मिल जाएंगे, कार में टांगने वाली हैंगिंग्स, चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें थी। शॉपिंग पूरी करके हमने किया रिक्शा और पहुंच गए अपने होटल, उठाए अपनी गाड़ी और निकल पड़े अटारी वाघा बॉर्डर के लिए। अटारी वाघा बॉर्डर एक लौता ऐसा बॉर्डर है जो बाय रोड इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ता है। हम इंडियंस की तरफ जो साइड है वो अटारी बॉर्डर, और जो पाकिस्तान की तरफ जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का नाम वाघा बॉर्डर है। लीजिए हम आ गए यहाँ की पार्किंग में। यहाँ पे भी दो टाइप की पार्किंग थी, सामने रेड वाली जो दिख रही है वो कॉमन पार्किंग है, और ये जो जहाँ सेपरेट जहाँ कार्स खड़ी हैं वो प्राइवेट पार्किंग है। यहाँ पे इस तरह पोस्टर कलर से फेस पे फ्लैग बनाने वाले घूमते रहते हैं, हम लोग ने भी फ्लैग बनवाए ताकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। ऑब्वियसली हम अटारी बॉर्डर की तरफ हैं तो इंडिया को ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट स्टिल ऐसे थोड़ा फील ज़्यादा आता है और थोड़ा और प्राउड फील होता है अपना इंडियन होने में। ये है यहाँ की कॉमन पार्किंग जिसकी 30 रुपीज़ चार्जेस हैं, बट ये बहुत फुल रहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो 130 वाली जो प्राइवेट पार्किंग है उसी में पे करिएगा। और ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोहिबिटेड हैं अंदर जाने के लिए। हमारी थी कुछ स्पेशल बुकिंग्स जिसके लिए हमें लाइन में नहीं वेट करना पड़ा, ये सीधे लाइन हमें अंदर ले गई।
आप अंदर खाने पीने की चीज़ें भी ले जा सकते हैं, कैमरा फोन सब अलाउड हैं। और ये सामने है स्वर्ण जयंती द्वार जिसके थ्रू हम यहाँ पे अंदर एंट्री लेंगे। और कुछ इस तरह होती है सेरेमनी की शुरुआत, जिसमें ऑडियंस में ही बैठी हुई लेडीज़ जिनका मन हो इस तरह से तिरंगा लहराने का वो जा सकते हैं और लाइन लगा के एक एक करके इस तरह से तिरंगा फहरा सकते हैं। और उसके बाद होती है ये डांसिंग सेरेमनी जिसमें भी सिर्फ लेडीज़ और गर्ल्स अलाउड होते हैं। वहाँ जाके इस तरह से देशभक्ति के गानों पे आप झूम सकते हैं, नाच सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये साइड है वाघा बॉर्डर का साइड यानी पाकिस्तान का साइड। देख सकते हैं आप कितने कम लोग हैं और एक सिंगल जना ही फ्लैग लेके झूम रहा है। और हमारे वहाँ तो आप देख सकते हैं हुजूम है लोगों का, इंजॉय करने वाला, अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाला। यहाँ का जोश आप सिर्फ यहाँ जाके ही फील कर सकते हैं। प्रत्येक सुबह भारतीय आकाश में उदय होने वाला सूरज सरहदों पर अटूट दीवार स्वरूप तैनात बीएसएफ के जवानों के अडिग एवं चट्टानी इरादों को सलाम करता हुआ प्रतीत होता है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई और भारतीय सीमा को एक ऐसा प्रहरी प्राप्त हुआ जिसकी सदैव चौकन्ना निगाहों में इसमें सूर्यास्त के समय भारत एवं पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वजों को ससम्मान उतारने का समारोह आयोजित किया जाता है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना के बाद से आज तक इस समारोह को आयोजित करने का गौरव बीएसएफ को प्राप्त है। ड्रम की आवाज पर परेड करते बीएसएफ के जवानों के सदैव कदम आत्मविश्वास से चौड़ी छाती और उनकी उत्साह से भरी भंगिमा भारतीय गर्व की परिचायक है और हमें इतिहास में गुंजायमान शब्दों की याद दिलाती है कि युद्ध के नगाड़े पर जुटे हुए रणबांकुरों ने अपने युद्ध क्षेत्र का चयन कर लिया है और शत्रु का सामना करने का समय आ गया है। तो आइए अपने देश के कोने कोने से आए देशवासियों एवं विदेशी मेहमानों सहित अब हम सब अपने प्यारे देश
और फिर कोई इस तरह से बीएसएफ जवान हम सब का जोश बढ़ाते हैं। और इस तरह से फ्लैग डाउन करने की सेरेमनी होती है जहां इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही फ्लैग डाउन किए जाते हैं एंड देन उसको फोल्ड करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से लगाया जाता है। इसीलिए कोई भी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, कोई भी डे हो, इवनिंग में फ्लैग निकाल लिए जाते हैं।
सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग. अगर आप अमृतसर जा रहे हैं तो ये प्लेस ज़रूर जाइएगा, बिकॉज यहाँ की एनर्जी, यहाँ का फील, यहाँ का प्राउड आप सिर्फ यहाँ जाके ही फील कर सकते हैं. जो गूस बम्स आते हैं ना यहाँ पेट्रियोटिक सॉन्ग सुन के, वो सिर्फ इस प्लेस पे ही फील हो सकता है. एंड वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. ओके बाय.